नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये मैंगो का मैंने प्लांट लगाया है। इसको मैंने गुठली से लगाया था, एक पॉलीथीन में मैंने एक गुठली डाल दी थी, जिससे ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है। इसे बोनसाई बनाने के लिए इसमें मुझे वायरिंग करनी है। पहली बात मुझे एक लाइन में आपसे ये करनी है कि ये बोनसाई जो बनाते हैं हम, वो जापानी पद्धति है। इसमें बड़े बड़े वृक्ष, जिसे हम उतने बड़े स्पेस नहीं दे सकते हैं, जैसे बरगद, पीपल, अमरूद, आम, नींबू, मतलब ढेर सारे प्लांट का लो, उनको इतने बड़े बड़े पेड़ को नन्हे से छोटे से गमले में लगाना, ये पद्धति जो है, इसी इसी को हम लोग बोनसाई करते हैं। तो इसी के लिए मैंने इस गुठली को लगाया था, लेकिन ये मेरे आँख से ओझल हो गया था, अंदर में छुपा हुआ था, पानी इस पर पड़ जा रहे थे और ये बढ़ता चला गया, इसलिए इसके ट्रंक आप देखो कितने मोटे हो गए हैं, इसलिए इसको वायरिंग करने में थोड़ी परेशानी ज़्यादा है। तो इसी को मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। इसके ट्रंक काफी मोटे हो गए हैं, इसलिए इनकी वायरिंग करने के बाद इनको मोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जब इनके वुड जो ट्रंक जो होते हैं, वुडी होते हैं, आप सभी जानते हो कि मैंगो का वुडी होता है और ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, इसलिए थोड़े से जब ये सॉफ्ट रहे उसी समय इसकी वायरिंग कर ली जाती है। लेकिन इसमें मुझे थोड़े से समय ज़्यादा लग गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इससे वायरिंग इसकी अब तो वायरिंग कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो चुके हैं। दोस्तों, कभी कभी बागवानी करते हुए, बगीचे में काम करते हुए, आपको ऐसा भी होता है कि आप की नज़र से कोई प्लांट छुप जाता है, तो या तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े लग जा सकते हैं, या कभी कभी आपके प्लांट इसी तरह जिस समय इनको वायरिंग करनी थी उनका समय काफ़ी पीछे चला गया है। फिर भी इसको थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए हमें इसकी वायरिंग करनी है। तो इस तरह से इसको थोड़े से करे हाथ से करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़नी है। ताकि इसके प्लांट खराब ना हो, ऐसा ना हो कि ये इसमें डर क्या रहता है कि हो सकता है कि इतना कड़ा होने के बाद ये क्रैक कर जाए या ये टूट जाए, बीच से ही टूट जाए, तो आपको जो करना था वो नहीं कर पाए आप, और आप अपने मन से सेब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो एक अपने अनुसार वो टूट लेगा, तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको मैंने यहाँ तक ले आया है। अब इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ये इतने बड़े हैं कि इनको वायरिंग करना भी थोड़ा डिफिकल्ट ही काम हो गया है। इधर से मैं इस डाल में इसको ले जा रही हूँ, एक डाल मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो निकले हैं, इसमें भी मैं इस तरह से इसको ले जा रही हूँ। ये आपके अपनी मर्जी पर है, आपके अपनी सोच पर है कि आप किस तरह का शेप देना चाहते हो, किस तरह का रखना चाहते हो, उस तरह से आपको इनकी वायरिंग करके उनको रखनी है। ये आपको अपने मन मुताबिक डिसाइड करना है। यो अब ऐसा करने के बाद और भी इसके हैं, ये जो बचे हुए हैं उनको बाद में काट दिए जाएंगे, लेकिन एक इसके यहाँ पर है, इनको भी मैं इसको करने के लिए यहाँ से, जहाँ इनके जॉइंट है, यहाँ से आपको लेने पड़ेंगे।
यहाँ पर पहले ऐसे कर दो, ये करने के बाद तब इसमें ऐसे लाने हैं। इसमें से कुछ पत्ते को आप चाहे तो हटा भी दे सकते हो, लेकिन मैंने छोड़ दी है। अभी मैं ऐसे ही मैं इसकी वायरिंग कर देती हूँ। यो मेरे हाथ ज़्यादा आ जा रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ सामने आ जा रहे हैं इस तरह से। ऐसे बढ़ते जाएं आप। एक खुद ब खुद थोड़ा सा अपने ही शेप लिए हुए है, आप देख रहे होंगे कि ये खुद ब खुद अपना शेप लिए हुए है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो अपना शेप लिया हुआ है तो इसके शेप को मैं डिस्टर्ब ना करूँ, इसके शेप को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। ये पत्ते मेरे काम करने से डिस्टर्ब हो गए हैं तो इन्हें मैं काट कर हटा देती हूँ। अरे काटने वाले नहीं, तो इस तरह से इसको जो बचे हुए वायर हैं वो बाद में काट दिए जाएंगे। तो अब समय है कि एक यहाँ है बचा हुआ, इसको शेप देने का। तो इसको इसके लिए एक वायर ये लेती हूँ और इसे के लिए मुझे यहाँ से है तो मुझे यहाँ पर कहीं इसको फंसानी पड़ेगी ताकि इस पर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर अगर शुरू कर दोगे तो वो टूट भी सकते हैं। इसलिए उसके नीचे से आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ, ये यहाँ से शुरू है तो मैंने ये इसकी यहाँ से ली है। दिख रही है दोस्तों, इस तरह से आप इसमें अब वायरिंग कर लो। थोड़े से करे हाथ से पकड़ने हैं, एकदम लूज होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, ये आपके मन मुताबिक नहीं आ पाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा करे कर देते हो तब भी दिक्कत होगी, ये टूट जा सकता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट नन्हे नन्हे हैं, तो यहाँ आपको बहुत केयर रखनी है क्योंकि आपका थोड़ा सा करा हाथ इसको इस डाल को समाप्त कर दे सकता है, तोड़ दे सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने हाथ को बहुत ही सतर्क रहना है और बहुत धीरे से हटाना। अब समय आ गया है कि इनको मोड़ा जाए, फोल्ड किया जाए। नीचे वाला मैं सबसे बाद में करूंगी, अभी मैं पहले ऊपर ही कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं इसको पहले शेप देना चाह रही हूँ जो बहुत नन्हा है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं दबाव यहाँ डाल रही हूँ और यहाँ डाल रही हूँ, बीच वाले हिस्से में दबाव नहीं डाल रही हूँ। बीच वाले में डालोगे तो प्लांट के टूटने का खतरा रहेगा। इस तरह ये जो बचे हुए हैं उसको बाद में काट लिए जाएंगे। अब इसमें आते हैं, यहाँ से है ये, तो इनको भी उसी तरह से जहाँ पर इनके वायर हैं, इस वायर पर उंगली डालनी है, इस वायर पर उंगली डालनी है, इसके बाद दबाव देने हैं। यहाँ ये तो पहले ही से शेप लिए हुए है और मुझे इसके शेप अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं इसको इसी के शेप में छोड़ दे।
दोस्तों इतने मोटे ट्रंक को मोड़ने में जो परेशानी है उसको मैं आपसे शेयर करने के लिए ही इसको की हूँ कि अगर आपके ट्रंक बहुत मोटे हो जाते हैं तो उसके लिए आपको वायर भी मोटी लेनी होगी और आपको कुछ अलग ही तरीके निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे नीचे रूट के पास यहाँ पर इसको लगा दी है और इसको अब फिर से ऊपर से इसमें दुबारे इसको कर रही हूँ ताकि ये इस तरह से ये मोटे वाले हैं वायर, और इनको पूरे में मैं नहीं ले जाऊंगी बल्कि मैं यहाँ से इसको लूंगी, यहाँ से इसको भी काट के हटा देती हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए मैं इन्हें हटा ले। आपको भी देखने में दिक्कत हो रही होगी, इसको लाने में मैं यहाँ से इसको लाने की कोशिश करूँगी, ये बीच में मैं ऐसे ही इसको रहने दूँगी, यहाँ से इसको धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट हैं तो यहाँ थोड़े से हाथ लगा के इनको फोल्ड करते हुए, यहाँ थोड़े सॉफ्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जो बहुत कड़ा आदमी होता है उसे लोग बचता है, जो सॉफ्ट होते हैं उन्हीं पर लोग ज़्यादा परेशानी उन्हीं को करते हैं। तो इसी तरह से ये जो सॉफ्ट है तो इसलिए इसको मोड़ना हमारे लिए आसान होगा और इसलिए मैं इसी के साथ इसमें वायरिंग कर रही हूँ। यहाँ एक एक आप देख रहे होंगे एक इसमें से निकलने वाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कोशिश करती हूँ कि ये इस तरह से यूँ मुड़ जाए। पत्तों से बहुत परेशानी हो रही है, ये वायर भी थोड़े करे हैं। ये बस केवल मैं इसलिए शेयर की हूँ कि स्टेम अगर आपके बहुत मोटे हो जाते हैं, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, तो आप कैसे क्या कर सकते हो। अभी कुछ दिन के बाद जब ये थोड़े झुक जाएंगे तो फिर इन पर थोड़ी सी ट्राई की जाएगी इन्हें और झुकाने के लिए। अभी अगर एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हूँ तो हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए, और जब भी प्रेशर देनी है तो मैं बार बार आपसे ये बात शेयर करती रहती हूँ कि आपको वायर पर देनी है ना कि बीच वाले जगह में नहीं देनी है, वायर पर देते हुए आपको इन्हें झुकाना है और फिर बाद में इसको मैं और दोबारे दूसरे तरह से इसको जब वायरिंग करूँगी उस समय फिर और इसको नीचे की तरफ कोशिश करूंगी झुकाने की। तो दोस्तों ये जो बहुत मोटे स्टेम हो गए हैं इनको बोनसाई बनाने के समय किस तरह से मोटे वायर का उपयोग करके इन्हें शेप में लाए, इसी वीडियो को मैंने आज आपसे शेयर की है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ, फिर किसी अगले वीडियो में किसी और चीज़ को शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।